हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेवर्सिंग लिस्ट स्ट्रिंग टपल्स। हम ये देखेंगे कि लिस्ट को, स्ट्रिंग को या फिर टपल को ट्रेवर्स कैसे किया जाता है। ट्रेवर्स का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसके, या तो स्ट्रिंग के या टपल के या फिर लिस्ट के, उनको हम कैसे एक्सेस करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम के अंदर एमसीक्यू की फॉर्म में आता है, और जो बच्चे हमसे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पाइथन जो पढ़ रहे हैं, उनके भी इंटरव्यू के अंदर या फिर रिटन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। किस फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, आउटपुट निकालने का क्वेश्चन आएगा। और आगे गोइंग फॉरवर्ड जब आप पढ़ोगे कोडिंग लिखना, जहां पे भी कोडिंग सीखोगे वहां पर इस ट्रेवर्सिंग का बहुत ज्यादा यूज आएगा। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द आउटपुट, हमें क्या लिखना है, इसका आउटपुट निकालना है। ये आप नोट कर लो, पहले नोट करना, जब कहूं लिखना तभी लिखना स्टार्ट करना, उससे पहले नहीं स्टार्ट करना, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, समझना है। सबसे पहले लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू गैप्स, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, हमारी स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे बना देंगे जी ए बी एस, और इसकी इंडेक्सिंग कर देंगे। इंडेक्सिंग कहां से होगी, 0 1 2 3। तो पहले तो आप डायग्राम बनाओ, क्या लिखा हुआ है, गैप्स लिखा हुआ है, उसका डायग्राम कुछ ऐसे बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसके अंदर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। यहां लिखा हुआ है 4x इन a, a क्या है, हमारी स्ट्रिंग। दोबारा ध्यान दो, a क्या है, हमारी स्ट्रिंग, और ये क्या लिखा है, 4x इन a, यानी कि a जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट करेक्टर उठाओ और डाल दो x के अंदर। तो x में a का फर्स्ट करेक्टर आया, कौन सा है, g, यानी कि फर्स्ट टाइम x में क्या आ गया, g आ गया। और अंदर लूप के और जब हम लूप के अंदर आएंगे, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट x, और x कितना है हमारा, g। तो इसका मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, ठीक है। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, 4 है तो यानी कि लूप है, दोबारा चलेगा। जब दोबारा चलेगा तो क्या लिखा है, 4x in a, यानी कि a का नेक्स्ट करेक्टर उठाओ, किस में डाल दो, x के अंदर डाल दो। a का नेक्स्ट, इसका a कौन सा हमारा स्ट्रिंग है, इसका नेक्स्ट करेक्टर इज a, तो g के अंदर अब क्या आ गया, a आ गया। और अब आएंगे तो क्या लिखा है, प्रिंट x, यानी कि a को प्रिंट कर दो। अब ये दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप चलेगा, फिर से ये स्टेटमेंट आ गई, 4x in a, यानी कि a का नेक्स्ट करेक्टर किसमें डाल दो, x में, a का नेक्स्ट करेक्टर क्या है, b, तो ये आ गया यहां पर। फिर लूप में आए तो कितना आ गया, b, ठीक है। अब फिर से ध्यान दो, फिर से दोबारा क्या लूप चलेगा, क्या लिखा हुआ, 4x in a, a का नेक्स्ट करेक्टर, a का नेक्स्ट करेक्टर कौन सा है, s, किसमें आ जाएगा, x के अंदर आ जाएगा, तो ये आ गया s। और अंदर आएंगे तो प्रिंट कर देगा, तो क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज s को प्रिंट कर देगा। अब ये दोबारा चलेगा, दोबारा चलेगा, क्या आ गया, 4x in a, a का नेक्स्ट करेक्टर x में डालो। अब a के अंदर तो कुछ नहीं है, तो यानी कुछ नहीं जाएगा, तो रुक जाएगा लूप। जब रुक जाएगा तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। तो दिस इज द आउटपुट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करा। ये हमने किसका देखा, स्ट्रिंग का देखा। आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद हमने देखना है लिस्ट का। दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। आगे चलने से पहले एक बार दोबारा बता दूं, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, और उसको नोट्स में से करने के बाद आप दुनिया की कोई भी बुक उठाओगे आपको हर जगह से टॉपिक समझ में आएगा ही आएगा। वैसे तो हम फाउंडेशन पे काम करते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग कराते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके बाद तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, आपको कोई दूसरी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको तसल्ली होती है ज्यादा बुक्स पढ़ने से, तो फिर वो उस
कोई भी बुक को रेफर कर सकता है जब गैप्स क्लासेस के नोट से पढ़ लेगा तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां क्या लिखा हुआ है हमारा, a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 10, 20, 30, 40, यानी कि ये क्या होगी, हमारी लिस्ट होगी। तो हमने क्या करा, अच्छा मैं पहले ऊपर का हटा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट a इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। a ध्यान दो, यहां पे जो चीज समझने की है, दिस इज स्क्वेयर ब्रैकेट। स्क्वेयर ब्रैकेट किसके लिए होता है, लिस्ट के लिए होता है। तो हम क्या लिख देंगे, 10, 20, 30, 40। और ये हो गया 0, 1, 2, 3। ठीक है, दिस इज 3। अब यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है फॉर वाई इन ए। इसका मतलब ए क्या है, हमारी लिस्ट है। लिस्ट के सारे करेक्टर उठा के आपको किसमें डालना है, y के अंदर, लेकिन एक टाइम पर एक करेक्टर, यानी कि y के अंदर क्या लिखा है, फॉर y इन a, y के अंदर a का करेक्टर आएगा कौन सा, फर्स्ट वाला, कितना आ गया, 10 आ गया। अंदर आएंगे, यहां पे क्या लिखा होगा, प्रिंट करना है, तो हम क्या कर देंगे, आउटपुट में प्रिंट कर देंगे किसको, y को। y कितना है हमारा, 10, तो क्या प्रिंट हो गया हमारा, 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर ये लूप दोबारा चलेगा, दोबारा चलेगा तो दोबारा फॉर वाई इन ए आया, यानी कि ए का नेक्स्ट करेक्टर, ए का नेक्स्ट करेक्टर कौन सा, 20, तो ये आ गया वाई के अंदर 20। फिर लूप में आएगा, प्रिंट कर देगा वाई, तो क्या प्रिंट कर देगा, 20। फिर ये दोबारा चलेगा, फॉर वाई इन ए आया, अब ए का थर्ड करेक्टर दैट इज 30, तो ये आ गया यहां पे 30। फिर दोबारा चलेगा वाई इन ए, ए का नेक्स्ट करेक्टर दैट इज 40, तो वाई के अंदर आ गया 40, क्या प्रिंट कर देगा, 40। फिर दोबारा चलेगा, अब तो वाई खत्म हो गया, या सॉरी ए खत्म हो गया, अब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, दिस इज द आउटपुट 10, 20, 30, 40। अब आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट। दोस्तों ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, टप्पल का दिया हुआ, सेम वर्किंग होगी, वो आपने करनी है, ये मैं नहीं सिखा रहा। इसके बाद एक क्वेश्चन और जो ये है, ये मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा चेंज हो गया पहले के कंपैरेटिवली। ठीक है, लेकिन इसको समझाने से पहले दोबारा बता दूं, आप गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, इन कोर्सेज के लिए आप एनरोल कर सकते हो। हर चीज बहुत तरीके से एक्सप्लेन है, हर टॉपिक की बहुत ज्यादा वीडियोस हमने बना रखी है, हर चीज को हम प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, ध्यान दो, फर्स्ट से कंपेयर करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है a इज इक्वल टू गैप्स, फिर हमने लूप लगाया, यहां पर क्या कर रखा है, यहां पे लिखा है फॉर y, x की जगह y ले लिया, इन गैप्स, यानी कि पहले हमने a को a इज इक्वल टू गैप्स लिखा था, फिर हमने लूप लगाया था, यहां पे डायरेक्ट लिख दिया फॉर y इन गैप्स। तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, y ये क्या हमारा स्ट्रिंग है, ये वैसे ही वर्क करेगा। यानी कि क्या लिखा, फॉर वाई इन गैप्स, इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो वाई के अंदर फर्स्ट करेक्टर आएगा दैट इज जी आएगा, और प्रिंट करा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। फिर ये दोबारा चलेगा, दोबारा चलेगा तो कौन सा करेक्टर है, नेक्स्ट इज ए, तो इसके अंदर आ गया ए, क्या प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा चलेगा, नेक्स्ट करेक्टर कौन सा है, बी, तो ये आ गया बी, तो बी, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया, पहले ये ए आएगा, फिर जब दोबारा जाएगा तो बी आएगा, एंड द लास्ट वन इज जब लास्ट टाइम, और जब हम लास्ट टाइम जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, पहले आ गया जी ए बी, फिर आएगा एस, तो यहां पर आ जाएगा एस, तो यानी कि हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, जी ए बी एस। बस फर्क क्या है, यहां पे सीधा डायरेक्ट लिख दिया फॉर आई इन स्ट्रिंग लिख दिया, सिंपल ये फर्क है, और कोई भी चेंज नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कई बार ऐसे लिखा होता है, स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो, और ये नेक्स्ट है लिस्ट का, अब लिस्ट को मैंने सेम लाइन में लिख दिया, ये अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको आप प्रैक्टिकल करके चेक कर लेना, आंसर वही आएगा जो मैंने आपको समझाया, जिस तरीके से वही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।